खबर शुरू होने से पहले आपके काम की जानकारी जान लीजिए। मृदुभाषी मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले लेकर आया है एक चुनावी महासर्वे, जिसमें आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक को क्लिक कर चुनाव से पहले ही अपनी पसंदीदा पार्टी का चयन कर सकते हैं। चलिए अब रुख करते हैं खबर की ओर। कांग्रेस द्वारा प्रदेश में निकाली जा रही जन आक्रोश यात्रा सोमवार को धार पहुंची। धार के प्रमुख मार्गों से होते हुए यात्रा निकली। इस दौरान कांग्रेस ने यात्रा के जरिए आने वाले चुनाव में कांग्रेस के पक्ष में माहौल बनाने का प्रयास किया। यात्रा में राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा सहित यात्रा प्रभारी कांतिलाल भूरिया, युवक कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष विक्रांत भूरिया, पूर्व विधायक बाल मुकुंद गौतम, मनोज गौतम, जिला अध्यक्ष कमल किशोर पाटीदार मौजूद थे। यात्रा में शामिल मालवा निमाड़ यात्रा के प्रभारी व वरिष्ठ कांग्रेस नेता कांतिलाल भूरिया ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि भाजपा के 18 साल में मध्य प्रदेश में क्या हालात हो रहे हैं सभी के सामने हैं। आक्रोश यात्रा है भारतीय जनता पार्टी के 18 साल से मध्य प्रदेश और 10 साल से होने जा रहे हैं और दिल्ली में आप पूरा देश की क्या हालत हो रही है और प्रदेश की हालत क्या हो रही है। आज किसान परेशान, नौजवान परेशान, नौजवान एक को नौकरी नहीं दी, मजदूर परेशान, किसान परेशान और सारा उन्होंने झूठे से 15 लाख रुपए खाते में जमा करा देंगे, माफ कर देंगे और खेती को लाभ का धंधा बनाएंगे। क्या किया क्या, किसान बर्बाद हो गए। अब ये सारी चीज़ें आवाज चारों तरफ उठ रहा, जन आक्रोश उठा। लोगों ने कहा साहब बोलो और करो, हमारे तो मतलब फैसियत ऐसी हो गई कि हम तो कहीं के नहीं रहे। तो फिर हमारे प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ जी ने फैसला किया अब जन आक्रोश निकालें। मीडिया के एक सवाल के जवाब में यात्रा प्रभारी भूरिया ने कहा कि इस बार कांग्रेस प्रदेश में सरकार बनाने जा रही है, साथ ही कांग्रेस प्रदेश की 150 सीटें जीतेगी। धार से मृदुभाषी के लिए आशीष यादव की रिपोर्ट। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मृदुभाषी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।